हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास टेंथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 से इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे अभी भी, जिनको ये वीडियो मिला है, जाइए बच्चों कमेंट सेक्शन में, कमेंट मैंने पिन किया हुआ है तो जो पिन कमेंट है उसमें रीड मोड पर क्लिक करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए, पूरा सिलेबस बच्चों वहाँ खुल के आ जाएगा। वहाँ पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले बच्चों लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है। तो पार्ट वन से पूरा प्लेलिस्ट आपके मोबाइल या लैपटॉप जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसमें खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आपके अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है बच्चों, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। कहाँ से क्लियर करें सर, तो देखिए बच्चों नीचे जो लिंक दिया होगा फिजिक्स में, तो ऊपर जो लिंक दिया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का, वहाँ पे इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ 20 to 21 लेक्चर्स हैं, पहले उनको करिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, सुनिए क्या बताया गया है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, लेंस में क्या करते हैं, मिरर्स में क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए बच्चों, ओके। ये रे ऑप्टिक्स का बेसिक्स है क्लास टेंथ में, और डिटेल में आपको ट्वेल्थ में पढ़ाया जाएगा। तो जब आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाइए, और जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में बोलता है, अंडर व्हाट कंडीशन इन एन अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेन मिरर्स इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर व्हाटएवर मे बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब आपको बच्चों उन्होंने दो प्लेन मिरर दे दिए, प्लेन मिरर तो सबको पता है, ठीक है। तो देयर आर टू प्लेन मिरर्स, कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, प्लेन मिरर कंडीशन का मतलब बच्चों आप समझो, वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो दोनों प्लेन मिरर्स हैं इसको आप कैसे रखोगे, मतलब कितने एंगल पे रखोगे। देखो ये फर्स्ट प्लेन मिरर है, सेकंड देखिए ये हो गया 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे करते 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 ये 90 डिग्री। तो कह रहा है कि दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में कितना एंगल रखोगे, मतलब उनका अरेंजमेंट का मतलब है कि उनके बीच में एंगल कितना रखोगे कि हर बार क्या हो कि जो इंसिडेंट हो वो, पढ़ लीजिए यहां पर बच्चों, क्या हो हर बार कि जो इंसिडेंट रे हो वो रिफ्लेक्टेड रे के हमेशा क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। अब यहां पर इंसिडेंट रे जो होगी, पता है वो हम क्या अज्यूम करेंगे बच्चों, जो इंसिडेंट रे होगी हमारी वो हम अज्यूम करेंगे कि ये जो नीचे वाला आपका प्लेन मिरर है इस पर हम इंसिडेंट कराएंगे, और फाइनल जो आपको आउटपुट मिलेगा, मतलब एक बार तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी और रिफ्लेक्ट करके यहाँ कहीं जाएगी और फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो देखिए हमारे लिए इस क्वेश्चन में इंसिडेंट कौन सा होगा, इनपुट क्या होगा, जो फर्स्ट रे आएगी, और आउटपुट क्या होगा, जो लास्ट में आपको निकलते हुए नजर आएगी, तो वो आपको पैरेलल करानी है। तो बच्चों देखिए मैं आपको बताऊं कि जब दो प्लेन मिरर्स को हम कितने एंगल पर रखते हैं, 90 डिग्री पे, याद रख लीजिए, व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस एट राइट एंगल देन इंसिडेंट रे विल बी ऑलवेज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे वॉट एवर विल बी द इंसिडेंट एंगल। मतलब इंसिडेंट एंगल आपका कुछ भी हो, लेकिन ये डायग्राम बच्चों बनाने से पहले मैं आपको, देखिए सबसे पहले तो आपको कॉपी में यही बताना है क्या, कि वेन द टू प्लेन मिरर्स आर प्लेस एट राइट एंगल टू ईच अदर देन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। अब इसको आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको एग्जाम में इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करना है, अभी मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन करने से पहले बच्चों आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें बताया गया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जिन बच्चों को नहीं रिवाइज है थोड़ा सा बता देते हैं फटाफट बच्चों, मान लीजिए कि ध्यान से देखिए ये कोई सरफेस है, चलो प्लेन मिरर मान लो इसको आप, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई लाइट रे ऐसे इंसिडेंट करती थी तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये देखिए ये नॉर्मल किस पे नॉर्मल होगा, तो ये नॉर्मल है सरफेस पे नॉर्मल होगा, मतलब ये नॉर्मल यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, सही है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए कि इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने अगर एक्स एंगल बनाया है एक्स डिग्री का, तो ये रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पे होगी, एक्स पे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो आई और आर से दिखाया था, जी हाँ आई की भी वैल्यू क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, आई आई भी यहां पर क्या है बच्चों, एक्स डिग्री, और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है, एक्स डिग्री। इसलिए हमने आई आई की जगह भी एक्स डिग्री और एक्स की और आर की जगह भी एक्स डिग्री लिखा हुआ है, बात समझ नहीं। तो अब स्टूडेंट यहां पर हम आई की वैल्यू भी एक्स ले सकते हैं और आर की वैल्यू भी एक्स, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता था, इतना तो सभी बच्चों को पता होगा, ये बात आप लोगों को पता है सिंपली। तो क्यों ना मैं दोनों को ये ना बोल दूँ कि हाँ भाई दोनों का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है, एक्स डिग्री, ठीक है। तो इससे हम आपको मैथमेटिकली इसको ईजिली प्रूफ करके दिखा देंगे। अब देखिए बच्चों होगा क्या, यहाँ पर डायग्राम कैसे आपका एग्जाम में बनेगा, ठीक, तो उसको भी देख लीजिए। आपको यहाँ पर दो प्लेन मिरर स्टूडेंट्स बनाने हैं और उन प्लेन मिरर्स को कैसा रखना है बताइए, राइट एंगल टू ईच अदर। तो ये आपका फर्स्ट प्लेन मिरर है और फर्स्ट प्लेन मिरर में पीछे पॉलिश होगी, ठीक है। ये सब हमने आपको क्लास में इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये आपका पॉलिश सरफेस है, ये ऐसा कुछ, ठीक है, और लेड ऑक्साइड का रेड पेंट के साथ लगाते हैं, वो सब हमने आपको क्लास में बताया है, तो वो सब
यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। ये वाला स्टूडेंट जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, इधर वाला। तो एक प्लेन मिरर बच्चों आपने यहाँ पे रखा, ठीक है। तो देयर आर टू प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर का बच्चों नाम रख दीजिए। ये वाला प्लेन मिरर है आपका प्लेन मिरर ए बी, और दूसरा प्लेन मिरर है प्लेन मिरर बी सी, ठीक है। और यहाँ पे भी आप ऑब्लिक लाइन लगा दीजिए, मतलब ऐसा पॉलिश वॉलिश किया होगा। और ये वाला जो सरफेस है ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, ये जो नीचे वाला मिरर है बच्चों, इस पर एक इंसिडेंट रे लेके आइए। तो चलिए बच्चों, इस पर एक इंसिडेंट हम रे के लेके आते हैं। ये बच्चों मिरर के साथ कितना भी एंगल बना के आप ला सकते हो, कितना भी का मतलब ये है कि थोड़ा सा ऑब्ट्यूज एंगल आप बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक रे हम लेके आते हैं, लाइट रे, ठीक है। ये ऐसे, कोई डाउट है बताइए। ये वाला पॉइंट क्या है बताइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे आप क्या ड्रॉ करोगे, नॉर्मल। नॉर्मल किस पे, प्लेन सरफेस पे, मतलब जो प्लेन मिरर है उस पे नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर रहे हैं, और अब ये कुछ ऐसा आपको हो गया, ठीक है। देखिए बच्चों, इंसिडेंट रे का मैंने नाम रख दिया आई वन, आपको कोई प्रॉब्लम है? ये इंसिडेंट रे क्या है, आई वन नाम रख दिया इसका, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए बच्चों, ये वाला जो एंगल होगा आपका, दिस वन, ठीक है, ये एंगल हम यहाँ पर एंगल आई को हम एक्स डिग्री अज्यूम कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका एक्स डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाइए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। ये क्योंकि मैं इतना पास हूँ ना, तो वो उतना क्लियर नहीं दिखाई पड़ता मेरे को भी पास से, तो थोड़ा सा तिरछा हो जाए तो कोई बात नहीं है। अब देखिए जरा, जितना एंगल यहाँ पे है स्टूडेंट्स, उतना ही एंगल यहाँ पे बनाते हुए आपको इसको रिफ्लेक्ट कर देना है, सही है। तो देखिए, लगभग ये एक्स डिग्री पे हमने इसको क्या कर दिया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो गई और ये यहाँ पे आ गई। तो ये वाली रे क्या है बच्चों बताइए, रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम आर वन से दिखा दें तो शायद आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये एंगल स्टूडेंट्स बताइए, ये वाला एंगल बताइए कितना दिखाऊं मैं, x डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ अज्यूम करते हैं। ये नॉर्मल बच्चों, नॉर्मल का कुछ नाम रख दो, लेट अस से n n डैश आपने इसका नाम रख दिया, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्टेड रे आई यहां से। अब ध्यान से थोड़ा सा देखिए बच्चों, इसको थोड़ा सा ना छोटा कर देते हैं बेटा, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये ऐसे, क्योंकि इधर शायद जगह मेरे को चाहिए हो। अब एक बात बताओ बच्चों, ये वाला सरफेस देखिए, सरफेस ए बी, ये इंसिडेंट रे है, ठीक। ये क्या है आपका बताइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या ड्रॉ करेंगे बताइए, नॉर्मल। किस पे नॉर्मल होगा, प्लेन मिरर पे। तो ये आपका प्लेन मिरर है या प्लेन सरफेस है बच्चों, इस पे नॉर्मल ऐसे होगा ना भाई, जैसे ये नॉर्मल इसके साथ 90 बना रहा है, तो इसका नॉर्मल ऐसे होगा कुछ। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ऐसे करके ये नॉर्मल आ गया, सही है, ओके। तो इसका बच्चों कुछ नाम रख लो, इसको अगर आपको डार्क करना हो तो आप डार्क कर लीजिए, इसका बच्चों कुछ नाम रख लो। ये इसका क्या नाम रख लें बेटा, ये n n डैश हो गया, तो ये वाला आप n डबल डैश और n ट्रिपल डैश भी इसको आप बोल सकते हो, कुछ भी नाम रख दो आपकी मर्जी, आप सी डी नाम रख दो नॉर्मल का, क्या दिक्कत है, आप n1 n2 रख दो, n1 n2, मैंने n डबल डैश n ट्रिपल डैश रख दिया। अब ध्यान से बच्चों चेक करिए जरा, देखिए ये वाला बच्चों, यहाँ पे बहुत ध्यान से चेक करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे आप ये बताइए कि देखो बेटा, बी सी जो होगा ये पैरेलल होगा किसके, एन ट्रिपल डैश एन डैश के, एन ट्रिपल डैश एन डबल डैश, ये वाला जो आपका नॉर्मल है ये पक्का किसके पैरेलल है बताइए, बी सी के। इतना तो कॉमन सेंस है, क्यों सर पैरेलल है, सर इसलिए पैरेलल है क्योंकि ये दोनों प्लेन मिरर कैसे थे बताइए, 90 डिग्री पे थे, ठीक। और ये नॉर्मल भी यहाँ पे क्या बना रही है, 90, तो ये वाला एंगल इस करस्पॉन्डिंग एंगल से देखिए 90-90 है, तो इसका मतलब एन ट्रिपल डैश एन डबल डैश इज पैरेलल टू व्हाट, बी सी। बात समझ आई कि नहीं आई, तो इस बात से आप सेटिस्फाई हो बेटा। एक बात बताओ, अगर एन ट्रिपल डैश एन डबल डैश पैरेलल है किसके, बी सी के, तो आप इस रे को देखिए, जो रिफ्लेक्ट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ठीक है, इस एंगल के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, ये इस एंगल के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये अगर x डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, x डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ओके। अब ध्यान से ज़रा चेक करिए क्या, कि अगर ये x डिग्री है, ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 90 माइनस x डिग्री, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना था, 90, तो ये पूरा अगर 90 था, क्योंकि नॉर्मल इस सरफेस पे 90 थी, तो ये अगर x डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x डिग्री। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सरफेस ए बी के लिए क्या है, इंसिडेंट रे, नहीं समझ में आई बात,
ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंस है, तो ये इंसिडेंट रे बच्चों यहाँ पे कितना एंगल बना रही है, 90 माइनस एक्स, तो ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बताइए, 90 डिग्री। ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट भी कितने एंगल पे होगी बताइए, 90 माइनस एक्स पे। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहां पे, ठीक, ये कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा बेटा क्या ये इसके पैरेलल लग रही है कि नहीं लग रही है, हाँ ठीक है लगभग तो पैरेलल लग रही है। ठीक है, अब देखो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स, वाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा दिया हमने कौन से पॉइंट पे, एन ट्रिपल डैश पे, तो ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू व्हाट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपको प्रूफ क्या करना था बताइए, प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ करना था कि I1 इज पैरेलल टू व्हाट, ये है आपका क्या, रिफ्लेक्टेड टू, मतलब ये फाइनल इसी को हम मानेंगे, तो I1 इज पैरेलल टू व्हाट, R2, ये आपको प्रूफ करना था कि रे I1 इज पैरेलल टू R2। अब इसको प्रूफ करने के लिए देखिए बच्चों हम एक काम करते हैं, ये फिगर सबको दिख रहा है, ठीक है, एक बात तो आपने बच्चों पढ़ी होगी, हम आपको याद दिला दें, ये क्लास नाइन्थ का सिंपल सा मैथमेटिक्स होता है कि दो लाइंस या रेज कुछ भी अगर पैरेलल है और ये अगर ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला देखो मान लो ये इसके अगर पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और प्लस दिस वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इन दोनों के एंगल का सम अगर कितना आ जाए, 180 डिग्री, तो इसका मतलब पक्का ये इसके क्या है, पैरेलल है। ठीक, याद करिए जब पैरेलल होता था ये वाला इसके पैरेलल होता था, इसका सम 180 आता था, तो इसी का कन्वर्स कर दो ना, इसी का उल्टा कर दो, क्या कि अगर इन दोनों का सम कितना आ गया, 180, तो ये वाला इसके क्या होगा, पैरेलल होगा, बात समझ आई कि नहीं। तो आइए बच्चों चेक करते हैं, आपको किसको पैरेलल करना था, I1 को R2 के पैरेलल करना था, ठीक है ना, तो बच्चों ये पूरा एंगल उठाइए, ये वाला पूरा एंगल उठाइए और ये वाला पूरा एंगल उठाइए, ये वाला जो आपको पूरा एंगल दिख रहा है, दिख रहा है, तो इनका सम निकालिए। अब मुझे बताओ बेटा ये वाला एंगल पूरा कितना है, बताओ, x डिग्री प्लस x डिग्री, ठीक है, तो x डिग्री और प्लस x डिग्री, और ये वाला पूरा एंगल कितना है बताइए, 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x, तो x डिग्री प्लस x डिग्री में क्या ऐड करेंगे, 90 माइनस x और प्लस 90 माइनस x, तो यहां पे बच्चों ऐड करिए 90 माइनस x डिग्री और प्लस 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ x डिग्री से x डिग्री कैंसिल, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 90 प्लस 90 क्या होता है बोलिए, 180 डिग्री। तो ध्यान से चेक करिए ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि ये दोनों एंगल पक्का क्या है, को इंटीरियर एंगल है। तो दिस इंप्लाइज रे इंसिडेंट रे जो थी फर्स्ट मिरर पे, वो जो सेकेंड मिरर से आउटपुट हमको मिल रहा है रिफ्लेक्टेड रे के क्या है, पैरेलल है। तो I1 इज पैरेलल टू व्हाट, I2। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, तो सर हमको क्या करना है एग्जाम में, ठीक है, हमको क्या ऐसा करके सब कुछ ऐसा दिखाना है, ठीक है, तो जवाब है नहीं, आपको नहीं दिखाना है ऐसा करके, आपको सिंपली एक डायग्राम बनाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले ही आप समझ लीजिए और नोट कर लीजिए, सिंपल आपको क्या बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और ये चीज़ आपको लिखनी, इतना नोट करिए, मैं इधर जगह बनाता हूँ, कर लीजिए। देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि सर एग्जाम में इसका आंसर कैसे दें, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आंसर जब आप दोगे बेटा तो ऐसे करके दे सकते हो, देखो जरा बात समझो, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली ये दो प्लेन मिरर बनाने, ठीक है, थोड़ा सा बात पे गौर करिएगा, ठीक है, इन्होंने बस हमको ये पूछा था क्वेश्चन में कि दोनों मिरर को कैसे रखें कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड की क्या हो जाए, पैरेलल, हमने जवाब दे दिया, हमें फुल मार्क्स भी मिल गए, लेकिन थोड़ा सा बच्चों बात समझिए जरा, देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है, कैसा डायग्राम बनाना है, तो सर सिंपली यहां से लेके आएंगे, ठीक, इसका कुछ नाम रख दीजिएगा, और यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करनी है आपको, ठीक, और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट कर देना है, ठीक, और ये मिरर 90 पे रखे हुए हैं, और यहाँ पे एक नॉर्मल ऐसे करके डालिएगा और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट कर दीजिएगा, ये सही नहीं बन पा रहा है, ये थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इधर एंगल पे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगना भी चाहिए ना देखने से, ये तो ये देखिए, बस इतना ही बच्चों आपको एग्ज़ाम में करना है, ठीक। अब यहाँ पर बच्चे ये पूछते हैं कि सर ये बताइए ये वाला एंगल क्या है, हमने कहा ठीक है बेटा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये वाला क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये वाला एंगल क्या है, तो ये I1 बच्चों इसका नाम रखिएगा, I नहीं रखिएगा, अब मैं इसका कारण बता रहा हूं, और ये क्या हो जाएगा R1, ये वाले पॉइंट पे I इज इक्वल्स टू क्या है R है, लेकिन ये वाले पॉइंट पे I1 इज इक्वल्स टू क्या है R1 है। आप कहीं कहीं पे ये देखोगे बच्चों कि यहां पर I लिखा है, यहां R लिखा है, और यहां पे भी I और R लिखा हुआ है, ठीक है, तो दैट इज नॉट द परफेक्ट, दैट इज नॉट परफेक्टली करेक्ट, ओके, तो आप ऐसा ही बना के चले आएंगे, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, यहाँ पे क्या होगा
90s में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब ये बात सर क्यों नहीं करेक्ट होगी, मतलब कौन सी बात, मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ पे देखो जरा, ये 90 है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, ये आई और ये ऐसे करके चली गई आर, और यहाँ पे और ये ऐसे कुछ, तो यहाँ आई और आर नहीं लिख सकते हो। ऐसा तभी होगा, यहाँ पे आके चेक करिए जरा, अगर एक्स की वैल्यू 45 हो, अगर एक्स की वैल्यू 45 हो तो देखिए ये 45, ये 45 हो जाएगा, और फिर ये भी क्या हो जाएगा 45, भाई 90 माइनस 45 45, और ये भी 45 हो जाएगा। यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे 45 हो तभी ये 45, ये 45, और इधर पे आके देखिए जरा 90 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 45 ली थी, ये 45, ये 45, तभी तो ये वाला जो आई है 45 हो जाएगा, और ये वाला आई भी क्या हो जाएगा 45। उस टाइम ये जितना आई होगा उतना ही ये आई होगा, जितना ये आर होगा उतना ही ये आर होगा, यानी कि आई इज इक्वल टू आर यहाँ भी होगा, आई इज इक्वल टू आर यहाँ भी होगा, इसका आई इसके इक्वल, इसका आर इसके इक्वल, इसका आर इसके आई के इक्वल, इस तरीके से, मतलब ऑल द फोर एंगल्स आर इक्वल, आई याला आर, आई आर, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर x इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया बच्चों, तो ध्यान से चेक करिए, अगर x 30 डिग्री यानी कि इंसिडेंट रे 30 डिग्री पे आ रही है, तो ये एंगल तो 30 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है 30 60, और यहाँ अगर 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर इस टाइम आई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30, तो आई इज इक्वल्स टू आर तो होगा, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये वाले सरफेस पे। लेकिन यहाँ पे आइए जरा, एक्स की वैल्यू कितनी ली आपने 30, तो यहाँ पे 90 माइनस एक्स है ना, भी आपको हमने दिखाया था कैसे होता है, तो 90 माइनस 30 कितना होता है बताइए, 90 माइनस 30, तो यहाँ पे बेटा जो हो जाएगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला, ठीक है I1, ये कितना हो जाएगा इस टाइम 60 हो जाएगा, ठीक। और ये वाला एंगल देखिए 90 माइनस x का वैल्यू 30 है, तो R1 बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब ध्यान से जरा चेक करिए, क्या ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है, बिल्कुल पैरेलल है, ध्यान से चेक करिए, ये 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, और यहाँ पर 60 प्लस 60 कितना हो गया 120, तो 120 और प्लस 60 180 हुआ, कोर इंटीरियर एंगल का सम अभी भी 180 है, मतलब I1 इज पैरेलल टू व्हाट R2, मतलब जो हमारा इनपुट रे था और आउटपुट रे जो हमें फाइनली मिला है वो पैरेलल ही है ना। लेकिन ये वाली कंडीशन में बच्चों आप देखिए, ये वाला आई तो ये वाला आई आर के इक्वल है, और ये वाला I1 भी R1 के इक्वल, लेकिन आई इज इक्वल टू I1 नहीं है, ये हम आपको बताना चाहते थे। तो आप देखिए यहां पर बच्चों क्या कि उन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, सिंपली कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे क्या होना चाहिए पैरेलल, तो वो हमने बता दिया कि भैया मिरर को कैसा रखना है हमें, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है बात समझ में आई। एक इसमें बच्चों क्वेश्चन ये आ सकता है कि क्या कंडीशन है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, तो आपको क्या करना है, प्लेन मिरर को सबसे पहले कैसे रखोगे, परपेंडिकुलरली, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस फर्स्ट रे का बच्चों कितना रखना है, एक्स का वैल्यू 45, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे होगा वो इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये एक नया क्वेश्चन भी इसमें बन गया। तो अभी इतने क्वेश्चन के लिए बच्चों, सिर्फ ये वाला डायग्राम विल बी द करेक्ट डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी थ्योरी लिखनी, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, सब कुछ पॉसिबल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, कह रहा है कि ड्रॉ द रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ द लाइट रेज व्हेन इट एंटर्स विद ऑब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर इनटू वाटर, ठीक है। तो एक बार एयर से हम वाटर में ले आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर मीडियम वन है एयर, करेक्ट, और ये है आपका वाटर, ठीक है। तो वाटर वाटर को बच्चों अगर थोड़ा सा दिखाना हो तो आप दिखा भी सकते हो, यहाँ देखिए ब्लू मार्कर से हम आपको दिखा दे रहे हैं ताकि पता चल जाए कि वाटर है, ओके। तो कुछ इस तरीके से, अब एक बात बताइए बच्चों, ये तो सभी को पता होगा कि एयर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होता है और वाटर का ज़्यादा होता है, ठीक है, ये क्लास में आपने देखा है। तो बताइए जब एयर से वाटर में जाएगा, मतलब दिस इज ऑप्टिकल रेयरर मीडियम, दिस इज ऑप्टिकल डेंसर, तो रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ये बात आपको पता है। दूसरी चीज बच्चों कि जो लाइट रे की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और जो इंटरफेस है, जब लाइट की स्पीड में डिफरेंस आता है इसीलिए तो वो बेंड होती है, क्लास में हमने आपको बताया है। तो बस कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्लिकली आप एक रे ले आइए, एंड दिस रे इज कुछ इसका नाम रख दीजिए, इंसिडेंस रे ए बी करके नाम रख दो, बता देना कि भाई ए बी इज वॉट इंसिडेंस रे, बी इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, सही है। ये देखिए ये इंटरफेस पे आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और ये वाला एंगल हो गया स्टूडेंट्स क्या आई, ठीक है। अब एक बार बताइए जाना कैसे चाहिए था, स्ट्रेट पाथ पे, बट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो ये किधर बेंड कर जाएगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये ऐसे बेंड कर गया, को डाउट है। और ये वाला एंगल जो है स्टूडेंट्स, इसको आप बोल देंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई इज वॉट एंगल ऑफ
इंसिडेंस। अब ये वाला जो पाथ है, अगर आपको डॉट डॉट से बनाना हो तो बना दीजिएगा, और नहीं तो हटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और हम लिख देंगे लाइट रे एंटर फ्रॉम ऑप्टिकल रेयरर टू ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, दैट्स वाई व्हाट, दैट्स वाई इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये, जो कि हमने वैक्यूम के रिस्पेक्ट में देखा था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, वाटर। ये तो बेटा सबको पता है, ठीक। अब दूसरा केस आइए बेटा, फ्रॉम वाटर इनटू एयर। अब वाटर से आ रही है, यानी कि फर्स्ट मीडियम इस बार कौन होगा, वाटर, और जा कहाँ रही है, एयर में। तो बनाते हैं, देखिए ये हो गया आपका इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पर वाटर को हम ब्लू मार्कर से दिखा दे रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा वाटर दिखा दे रहे हैं हम, ओके। तो ये हमने वाटर दिखा दिया। अब क्या करना है बताइए, यहाँ से एक इंसिडेंस रे आएगी ऐसे, ठीक है, ऑब्लिकली, मतलब बेटा तिरछी कोई एंगल बनाती हुई, ये ऐसे ऑब्लिकली इसलिए बोला है उन्होंने, सीधा ले जाएंगे तब तो वो कोई मतलब अलॉन्ग द नॉर्मल ही निकल जाएगी, वो तो क्लास में आपने देखा हुआ है। हाँ, ये रे हो गई बेटा, इसका कुछ नाम रख दो, लेट अस से दिस इज रे, ये ए बी था और ये बी एम, इसका नाम रख दो, रिफ्रैक्टेड रे बी एम था, यहाँ पे कुछ नाम रख दो इसका, लेट अस से क्यू आर, ओके, इज द इंसिडेंट रे। तो ये हो गया, अब यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो ये हो गया आपका क्या, नॉर्मल, ठीक। अब नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बन रहा है, ये क्या है इस बार, एंगल ऑफ, कुछ भी नाम रख दो इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज व्हाट, थीटा वन। अब ये जाना कैसे चाहिए था बताइए, ये स्ट्रेट पाथ पे जाना चाहिए था, बट आपको पता है कि ये एयर है और ये क्या है, वाटर, इस बार वाटर से एयर में जा रहा है ना, तो क्या करेगा ये टुअर्ड द नॉर्मल नहीं होके अवे द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी अवे द नॉर्मल, ठीक। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको हटा दिया, और ये वाला जो एंगल है सभी बच्चों को पता है, थीटा टू इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। और बात वही है बेटा यहाँ पर भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, बात समझ आई कि नहीं आई। तो ये कुछ इस तरीके से डायग्राम आपके यहाँ पर आ जाएंगे। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसमें, क्या बताने लायक चीज़ है ये, नहीं, ठीक है, बिल्कुल डायग्राम ये सही है। अब इसमें कुछ आपको नहीं करना है, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सुन लीजिए, बहुत इजी बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबको आता होगा। बोल रहा है ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस। तो कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन दे रखी है और आपको डायग्राम बनाना है। तो पार्ट वन कह रहा है कि पोल एंड फोकस के बीच में रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये आपको याद होगा स्टूडेंट्स, ये कौन सा केस था, मेकअप मैन मिरर वाला, है ना। तो देखिए ये कॉनकेव मिरर एक लेते हैं, ठीक है, और यहाँ कहीं स्टूडेंट्स इसका पोल है, ठीक है, और ये हमारी है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पोल से ये हमने को डिस्टेंस ले ली, सपोज ये फोकस है, और फोकस का जब 2 times करोगे बच्चों, ये फोकल लेंथ का 2 times करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप लोगों ने कैपिटल सी से दिखाना है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, ए और बी, ठीक है। अब क्या कराएंगे बताइए, अब हम एक रे पैरेलल ले जाएंगे, और जो पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, फोकस से। तो पॉइंट ए की इमेज बनाने के लिए एक रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली, और जब पैरेलल ली तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, ये ऐसे करके बच्चों, थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा हो जाए तो इग्नोर करिएगा आप उसको, ये फोकस से चली गई, ठीक है। और दूसरी रे हम कौन से निशाने पे से लाते हुए अज्यूम करते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से। तो ये मिरर बच्चों थोड़ा सा ठीक वीक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये ऐसे, ठीक। तो ये देखिए, ये निशाना आप रखिए किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर का निशाना रखिए, ऐसे, यहाँ से नहीं आ रही है, निकल रही है ए से, अभी रिफ्लेक्ट, अभी यहाँ पे टकराएगी मिरर पे, इस पे मिरर पे टकराने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और तब ऐसे करके ये ऐसे करके आएगी, और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी, और यहाँ पे आप आइस लगाओगे, आपकी आइस इसको बैक ट्रेस करेंगी, और जब बैक ट्रेस करेंगी तो ये वाली रे बच्चों यहाँ कहीं से आते हुए, और ये वाली रे यहाँ कहीं से आते हुए, तो बच्चों देखिए दोनों यहाँ पर मीट कर रही हैं, बट वर्चुअल इमेज बनेगा, बिकॉज असली में ये स्क्रीन पे मीट नहीं कर रही हैं। तो ध्यान से चेक करिए, ये रियल में मीट नहीं कर रही हैं बच्चों। तो पॉइंट ए का इमेज आपको यहाँ कहीं मिलेगा ए डैश, और ऐसा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो बी का इमेज हमको यहाँ मिलेगा, यानी कि बी डैश। तो ये देखिए ऑब्जेक्ट था छोटा, हो गया बड़ा। तो आप सारी बच्चों यहाँ पे कैरेक्टर से क्लिक लीजिए, कहाँ बना इमेज, कहाँ बना इमेज, बना सब कुछ लिखना है एग्जाम में, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। लोकेशन इमेज की कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। पॉइंट टू, बना कैसा है बताइए, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
वर्चुअल, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट को सीधा ही बनाना, अगर ऐसा मार्कर है तो ऐसा ही मार्कर दिखाई पड़ेगा, बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है, एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड थर्ड वन इज वॉट, मैग्नीफाइड हो गया कि नहीं, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड, तो थर्ड बच्चों आप लोग लिख लीजिएगा क्या, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मीन्स वॉट, लिख लीजिएगा, मैंने बोल दिया, लिखा नहीं है पूरा, मैग्नीफाइड, ओके, कर लीजिए। पार्ट बी देखिए स्टूडेंट्स, बिटवीन पोल एंड सॉरी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ओके, तो ये देखिए आपको क्लास में बताया, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, तो ये देखिए बच्चों यहाँ कहीं पोल आएगा और यहाँ कहीं क्या है इसका फोकस है, और इसका टू टाइम्स कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अंदाज के मैं बना रहा हूँ, क्लास में मैंने आपको मेजरमेंट लेने सिखाए हुए हैं, ठीक है, जो मेन आपकी क्लास हुई थी उसमें, ये ऐसे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बताइए, एफ और सी के, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट मान लीजिए बच्चों हमने रख दिया है, ऑब्जेक्ट ए बी, अब पॉइंट ए से एक रे निकालते थे आप, और कहाँ से पास करती थी ये, फोकस से, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है ना, तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और दूसरी रे, अब मिरर बच्चों थोड़ा सा आपको बड़ा करना पड़ेगा, ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब देखिए दूसरी रे आप कौन से निशाने से ले जाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये देखिए ये गई, ये टकराई, और देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के निशाने से ऐसे जा रही है, तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये देखिए बच्चों यहाँ कहीं ऐसे करके ये आएगा, प्रिंसिपल एक्सेस को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो ए की इमेज कहाँ मिली बताइए, यहाँ पे मिली, ए डैश पे, तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और ये इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे ए मिला है तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, मतलब बी का इमेज बी डैश, तो ए बी डैश ऐसे आपको, मतलब अगर मार्कर ऐसा है तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा, और कैसा दिखाई पड़ेगा, एंड लार्ज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो आइए जरा लिखते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ है बताइए, इमेज की बच्चों लोकेशन कहाँ है, ये है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाँ ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब जिधर मिरर ये है ना, ये बिहाइंड द मिरर है और ये फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो फ्रंट ऑफ द मिरर में बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इन्फिनिटी पे नहीं बनी है, बात समझिए आप, ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर बनी है, ठीक है। तो लोकेशन में क्या लिखेंगे बताइए, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये सब आप लोग खुद लिख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें जो लिखना है हमको, ये फर्स्ट पॉइंट था, इसकी लोकेशन बताइए, और क्या बताना है बताइए, इसका नेचर, तो नेचर बताओ बेटा कैसा है, ये स्क्रीन पे मीट कर जाएगा, यहाँ पे स्क्रीन अगर रखें तो ये मार्कर ऐसा रखा है तो स्क्रीन पे मेरे को ऐसा दिखाई पड़ेगा, बड़ा दिखाई पड़ेगा, है ना, तो इसका मतलब कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है ना, तो रियल और इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड है ना, तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, ये मैग्नीफाइड भी आपका हो गया, ठीक है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, तो ईजी है, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स सी देखिए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ये भी बहुत ईजी, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे तो जो हाइट ऑफ द इमेज होती थी वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल होती थी, यानी कि साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, याद है आपको, और मेरे ख्याल से रियल एंड इन्वर्टेड भी बनता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो ये पोल हो गया आपका, और ये क्या है, एफ है, इसका टू टाइम्स कर दोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा, यहाँ पे आपने क्या रखना है, ऑब्जेक्ट ए बी, तो देखिए बच्चों सी पे ही हमको बी ऐसे बना देना है, ज़्यादा टेंशन नहीं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ये पॉइंट, ये पॉइंट ए बी ऑब्जेक्ट के एंड पॉइंट बी को भी दिखा रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक पैरेलल ले लेके आना है आपको, रे लेके आना है, और ये कहाँ से पास करेगा, फोकस से, और दूसरी रे बच्चों यहाँ पॉइंट ए से निकालिए और फोकस से लेके जाइए, ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी, और जब ये ऐसे करके पैरेलल होगी, अब देखिए मेरा सही नहीं बन पाया, आपको स्केल से मेजरमेंट लेके करना है, ये थोड़ा सा ऐसे भागना चाहिए, उधर भाग गया है ना, इसलिए नहीं आ रहा है, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, आपको पता तो है ही कि लोकेशन कहाँ बननी है, तो कुछ ऐसे जब आप खींचोगे इसको तो ये ऐसे, ठीक, मेजरमेंट लेने मैंने क्लास में आपको बताए हुए हैं, ठीक है। तो बी का बच्चों इमेज यही मिल जाएगा, बी डैश, और ए का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम क्या लिखेंगे, लोकेशन कहाँ है बताइए, इमेज की लोकेशन कहाँ है, इमेज की लोकेशन एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पॉइंट टू देखिए बच्चों इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज है सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू व्हाट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको इंग्लिश में लिखना है,
साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू व्हाट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मैंने अच्छा इज इक्वल्स टू एक्चुअल लिख दिया, मतलब साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट, हाइट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और थर्ड जो है आपको क्या लिखना होता था बच्चों इसमें, हाँ रियल है, बताइए रियल है, बिल्कुल रियल है, क्योंकि ये देखिए ये रिफ्लेक्टेड रेज सच में यहाँ पर मीट करी, अगर हम स्क्रीन लगाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास यहाँ पर, तो ये मार्कर अगर ऐसा है तो जितना बड़ा मार्कर है उतना ही बड़ा मार्कर दिखाई पड़ेगा, बट इन्वर्टेड दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट बच्चों हो गया रियल एंड वॉट इन्वर्टेड, ओके कर लीजिए। और डी वाला देखिए, अ लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर में, सॉरी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर में, ध्यान से चेक करो बच्चों ये फोकस है, और इसका टू टाइम्स करोगे तो क्या बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ कहीं आपका क्या होगा इन्फिनिटी होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अ लिटिल बियॉन्ड जब बोला है ना उन्होंने, तो मतलब इन्फिनिटी पे नहीं जाओ लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा बाहर चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं बच्चों प्लेस कर दो, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ प्लेस कर दिया है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ए बी एस की लोकेशन क्या है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसी बात को इन्होंने ऐसे बोला अ लिटिल बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर, बहुत दूर नहीं जाना, अ लिटिल बियॉन्ड, ओके, तो हमने थोड़ा सा यहाँ से दूर कर दिया है। अब देखिए बच्चों ये मिरर ही छोटा पड़ गया हमारा, ये ऐसे, ठीक, तो ये पैरेलल आती हुई रे बच्चों कहाँ से पास करेगी बताइए, फोकस से, सही है, ये देखिए ये फिर से नहीं सही आएगा, ये थोड़ा सा इधर भाग गया है, तो आपको मेजरमेंट लेके बनाने जैसे हमने क्लास में आपको बताया हो, ये ऐसे, ठीक। और दूसरी रे आप कहाँ से पास करा सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, ठीक है। और अगर आप बच्चों फोकस से भी लेके जाओगे तो ऐसे करके पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी तब भी आपकी इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा सही से, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान चेक करिए, पॉइंट ए की इमेज यहाँ पे बन गई कि नहीं बन गई बताइए, यहाँ पे बन गई, ठीक है, ये ए डैश पे, और यहाँ पे बनेगा क्या आपका बी डैश, ये। अब आपको बच्चों साफ साफ देख के लग रहा है कि ये देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज कैसी है छोटी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा बताइए, सबसे पहले लोकेशन बताइए कहाँ बनी है इमेज, इमेज बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा पॉइंट बच्चों बताइए इसमें कि साइज कैसा है, यहाँ पर डिमनेस हो गया, स्मॉल हो गया, तो इमेज इज व्हाट स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सिंपल है, तो एच आई इज लेस देन एच ओ, आपको पूरा लिखना है इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, थर्ड पॉइंट बहुत ईजी है, क्या रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। देखो बेटा यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा बड़ा भले लग रहा हो लेकिन इतना तो क्लियर होगा, इससे तो छोटा ही दिखाई पड़ रहा है ना, तो जब आप मेजरमेंट लेके बनाओगे तो ये और छोटा आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत है बताइए कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट ई देखिए, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती है फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड होती है, और हमने क्लास में आपको दो तरीके के कराए हैं इसमें, तो उसमें से पहला वाला बच्चे कह रहे हैं सर कन्फ्यूज करता है, तो आप सिंपल वाला कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, आप ये वाला कर लीजिए, देखिए एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको, आप कमेंट आया था बच्चे का एक जब क्लास कर रहा था, वैसे तो कोई करता नहीं मेरी क्लासेस बट फिर भी, ठीक है, कमेंट आया था, उसमें बच्चा पूछ रहा था कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो बेटा ये वाला कर लो, क्या यहाँ से देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है बताइए आपका, इन्फिनिटी पे, यहाँ कहीं होगा, और इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट हम लोग दिखाते तो है नहीं, लेकिन हाँ इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब इन्फिनिटी से आती हुई ऑब्जेक्ट से आती हुई रेस कैसी होंगी पैरेलल, तो ये देखिए एक रे यहाँ से पैरेलल ले आइए, ठीक है, और एक रे यहाँ से ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के दो रेज बस ले आइए, दैट विल बी इनफ, ओके, तो ये ऐसे करके, अब ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी बताइए फोकस से, और ये आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी फोकस से, ठीक है, तो ये ऐसे। अब मुझे बताइए कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई बताइए, एट फोकस पॉइंट नंबर टू। देखिए बेटा इसका नेचर हमने क्लास में डिस्कस किया है, वैसे तो किसी किसी बुक में इसका नेचर नहीं लिखा हुआ है, बात समझिए इस, क्योंकि देखिए बेटा ये हो गई हाईली डिमिनिश्ड, चेक कर लो पॉइंट साइज हो गई ना, हाईली क्या हो गई हाईली डिमिनिश्ड, मतलब लगभग कैसी हो गई पॉइंट साइज, तो जब ये पॉइंट साइज होगी तो हमें समझ में नहीं आता है कि इरेक्ट है कि हाँ, लेकिन हम बताएं यहाँ पे आप देखिए अगर स्क्रीन हम रखेंगे तो ये रियली रेज मीट करें तो रियल है, और रियल के साथ कैसा आता है इन्वर्टेड, ये हमने आपको हर बार क्लास में दिखाया ऐसा होता है, तो इसका मतलब जरूर कैसी बनती होगी पॉइंट साइज है, मतलब समझ में नहीं आ रही है कोई बात नहीं, बट बनती कैसी होगी रियल एंड
इन्वर्टेड, इसीलिए मैंने दूसरा वाला डायग्राम भी क्लास में इसका बनवाया हुआ है, जिसमें वहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है, वहाँ पर इन्वर्टेड होकर नजर आई थी, इसलिए हमने वो डायग्राम भी आपको पढ़ाया था। आपको नहीं समझ में आता तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डायग्राम, तो आप इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 30। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 का जो सॉल्यूशन है वो ऑन स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।